यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परप्रणलोचनम् मारुतिम् नमत् राक्षशान्तकम् जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुन गावो सियाराम के हनुमत हो सहाय जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर तुलसी सीता राम कहो दढ़रा कहो विश्वास कबहु बिगरत न सुने श्री रामचंद्र की दास बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। पता नहीं क्यों आप लोग बार बार कहने की रास्ता देखते हो, बस जल्दी बोल दो बस। बोलो गौरी शंकर भगवान की, आप लोग भी बोलो। बोलो दुर्गा मैया की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, भारत माता की, गंगा गायत्री माता की, आप सबके माता पिता की, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की, परमादरणीय प्रातस्मरणीय कलि कुटिल जीवन स्तारक कलि पावन अवतार हिंदू धर्म रक्षक पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम, इस मानस मंगल महोत्सव समिति के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधुगण सबका हृदय से स्वागत। अभी मेरे पूर्व में जिनकी वाणी का लाभ आप सबको मिल चुका है, भैया राकेश जी, आरती जी, जिनके आने मात्र से पंडाल स्थान गरिमा मंडित महिमा मंडित हो रहा है, धर्म पथ का अवलंबन करने वाले समस्त विवेकशील महानुभाव अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में दबा करके इस शीत की बेला में भगवान की कथा सुनने के लिए पधारी हुई, एक बार पुनः दर्शन दे रही मेरी पवित्र माँ बहन बेटियों, राष्ट्र भारत के नौ चिराग बच्चों, आओ आशीष आज बहुत बढ़िया बोल रहा, बस कुट चमत करो बढ़िया बोल रहा। आइए सभी लोग बड़ी मस्ती में भगवान का नाम बोलो, सभी लोग बोलेंगे, कोई कंजूसी नहीं करेगा सबका। तेरे चरणों का तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, हम उन्हीं से बोलने को कह रहे हैं जो भगवान के गुलाम है, पैसे के गुलाम हो जोरों के गुलाम हो उसे कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन जो भगवान के चरणों के गुलाम है और सब है वरना आधी रात में आ क्यों बैठे होते, उस सब का तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम जी का मैं हूं गुलाम, तेरी अलबेले राम तेरी अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम मेरे अलबेले राम जी
कृपा में हूँ बोला मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे मतवाले राम अलबेले राम मेरे मतवाले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे मतवाले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे मतवाले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम कभी कभी सच्चे मन से भगवान से कहा करो पूजा जप तपी कछ नहीं जान 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 जानू मैं बस तेरा नाम मेरे अलबेले राम बस तेरा नाम मेरे अलबे मेरा चरणों का बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर चर्चा शाम से ही आपके बीच में प्रस्तुत की जा रही है भगवान शिव के विवाह की बहुत ध्यान से सुनना अभी आपने सुना भगवान शिव का विवाह अब जरा मन से सुनो ये जो लोग बाहर खड़े हैं अगर ये किसी व्यवस्था में है तो जरूर खड़े रहे और अगर व्यवस्था में नहीं है तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग आकर के अंदर बैठ जाओ चलो कोई बात नहीं क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ठीक है आज कोई बात नहीं चलो बहुत लोग बैठे हो फिर भी अच्छा नहीं लगता इसलिए निवेदन कर दिया सुनिए बाबा चलो आप इधर देखो इधर देखो इधर देखो आप लोग अच्छा नहीं लगता ऐसा भगवान शिव के विवाह की आप चर्चा सुन रहे थे देखो मेरे भाई इस जीवन को ऋषियों ने चार भागों में बांटा था ध्यान से सुनना ब्रह्मचर्य गृहस्थ इधर देखो सब चुप हो जाएंगे दो मिनट और रुको बस दो मिनट बोलने वानप्रस्थ और सन्यास 100 साल की अवस्था मानी गई थी और इसको ऋषियों ने चार भागों में बांटा था हम 25 साल तक विद्या अध्ययन करते थे पढ़ते थे 25 के बाद विवाह करके 50 साल तक गृहस्थ धर्म में रहते थे धर्म के द्वारा धन पैदा करके ब्रह्मा की सृष्टि में सहायक होते थे 50 से 75 तक घर में रह करके घर से बाहर रहने का अभ्यास करते थे घर में वैसे रहते थे जैसे कमल रहता है पानी में आपने देखा होगा कमल पानी में रहता है लेकिन कमल पर पानी का कोई प्रभाव नहीं होता 1000 बाल्टी डाल दो लेकिन एक बूंद रुकने वाली नहीं और 75 से फिर घर छोड़ करके जंगल चले जाते थे भगवान का भजन करके अगला जन्म बना लेकिन आज ये सारी व्यवस्था बिगड़ गई और इसीलिए आदमी दुखी क्योंकि हमने अब ऋषियों की संस्कृति का पालन करना बंद कर दिया खैर उधर नहीं जाना है भगवान शिव का विवाह मैया पार्वती के साथ हुआ बड़े प्रेम के साथ आज विवाह संपन्न हुआ सवेरे विदाई का समय आया
देखो भाई, संसार का सबसे कठिन काम है अपनी बेटी को दुल्हन बना करके विदा करना। यद्यपि ये हर मां बाप की मजबूरी है, चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो, एक दिन हर हिंदुस्तानी बाप को अपनी बेटी को दुल्हन बना करके विदा करना ही पड़ता है। रोता है, लेकिन मेरे भाई बेटी के विदा करने में जो आंसू निकलते हैं वो खुशी के आंसू। जीवन में आंसू दो बार निकलते हैं। इन बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन आंसुओं की कीमत को समझा करो। कभी कभी बहुत जल्दी रोती हूं जी। जिन आंसुओं को हम आप दुनिया वालों के लिए बहा रहे हैं भाई साहब, इन्हीं आंसुओं को कभी भगवान के लिए बहा करके देखो। कभी देखो, भगवान ने स्वयं कहा अगर कोई मुझे कलयुग में सबसे जल्दी पाना चाहता है तो उसका सबसे साधन क्या है? बोले वो मेरे आगे रोना सीखे, मेरे आगे रोना सीखे। मैं नहीं कहता, बाबा लिखते हैं क्या? बोले मम गुण गावती फूल की शरीरा गावती फूल की शरीरा अब गुण गावती फूल की शरीरा मम गुण गावती फूल की शरीरा जय हो हम गुण गावत फूल की शरीरा गद गीरा नयन बाप गीरा गीरा नयन बाप गीरा गावत पुलक शरीरा गत गत गिरा नैन बहा नीरा मेरा भजन कैसे करो? बोले आपका कंठ अवरुद्ध हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे, ये स्थिति जब आपकी हो जाएगी आपका ठाकुर वहीं खड़ा होगा। भागवत भी यही कहती, वाग गदगद आए थे। देखो भाई, मैं निवेदन कर रहा था, जीवन में आंसू दो स्थितियों में निकलते हैं, या तो दुख में और या खुशी में। दोनों आंसुओं में अंतर होता है, कभी आप प्रैक्टिकल करके देखना। दोनों आंसुओं में अंतर होता है, दुख के आंसू हमेशा गर्म और नमकीन होते हैं, देख लेना, और खुशी के आंसू हमेशा ठंडे होते हैं। मैंने निवेदन किया, हर माँ बाप की मजबूरी है, एक दिन अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर के सबको बधाई करना पड़ता। कोई कितना ही कठोर हृदय का बाप क्यों ना हो, चलो दुनिया की बात छोड़ो, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई बाप इसमें बैठा हो जिसने अपनी बिटिया को दुल्हन बनाकर के विदा किया हो और रोया ना हो, तो जरा हाथ उठाओ मैं दर्शन करूंगा। नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे भी बाप देखे हैं, आपने भी देखा होगा, मैं उन्हें कठोर नहीं कहूंगा, पत्थर हृदय नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ लोग हिम्मत के इतने पक्के होते हैं, भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना घटे, ए भैया अकेला बेटा हो मर जाए तो दर्द अंदर पी लेते, लेकिन रोते नहीं, नहीं रोते। लेकिन ऐसा बाप आपको नहीं मिलेगा। अरे भाई ईमानदारी से बताओ, हिमालय से कठोर कौन होगा? और महाराज हिमालय ने भेजे अपनी बिटिया को विदा किया पार्वती को, आज बूढ़ा बाप फूट फूट के रो पड़ा। अरे ब्रह्मा ये तूने क्या किया, संसार में तूने इस नारी जाति को निर्माण ही क्यों किया? जिस नारी का सारा जीवन पराधीनता में बीतता, बोले विधिगत श्रेय जी
नारी जग माही। नारी जाति का निर्माण क्यों किया? विधिकत सजी नारी जगमाही, पराधीन सपनों सुखनाई। और इस नारी का सारा जीवन पराधीनता में बीतता है। ये बच्चियां जब सवेरे विद्यालय जाती हैं, इन्हें बड़ी लंबी चौड़ी घुट्टी पिलाई जाती है। सीधे स्कूल जाना, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, क्लास में ठीक से रहना, छुट्टी हो तो सीधे घर आना, किसी तरफ देखना नहीं। किसी ने बच्चे को अपने समझाया कि पढ़ाई स्कूल जा रहे हो, पढ़ के सीधे घर आना, किसी तरफ देखना नहीं। सारी शिक्षा इन्हें पिलाई जाती है। जब तक छोटी रहती है माँ बाप के अधीन, क्यों भाई? माँ बाप का नियंत्रण, ये करना है, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर में रहना, अब तुम सयानी हो गए, आदि 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 आदि। विवाह हो गया, पति की आज्ञा, पर पति की आज्ञा चलती। और बुढ़िया हो गई, बेटे की आज्ञा। महाराज, इस नारी जाति का, जिस नारी जाति का सारा जीवन पराधीनता में बीतता हो, अरे ब्रह्मा तूने ऐसी नारी का संसार में निर्माण क्यों किया? मैंने कहा हर बाप रोता है, विदा करता है, लेकिन उसके आंसू खुशी के आंसू होते हैं और कहता है मेरी गुड़िया रानी, मेरी लाडो, अरे तेरे करके हाथ पीले मैंने गंगा नहा लिया। बेटी जिस दिन तुझको डोली में बिठा लिया, तेरे करके हाथ पीले मैंने सब कुछ पा लिया। जिस दिन तुझको डोली में बिठा लिया, जिस दिन बिठा लिया, जिस दिन को मैंने दिन बिठा लिया। इतने प्यार से जिस बाप ने अपनी गुड़िया को विदा किया, हारे टीवी नहीं मिला, फ्रिज नहीं मिला, लगा दी साड़ी में आग और कह दिया स्टोव फट गया। बिटिया की आत्मा रोती भी घर आई, बाबुल बाबुल सुनो तुमने सब कुछ था किया, बाबुल सुनो तुमने सब कुछ था किया, इन दहेज के लोधी ने मुझे जिंदा जला दिया। बीबी दहेज के लोधी ने मुझे जिंदा जला दिया, इन दहेज के लोधी ने मुझे जिंदा जला दिया। बीबी दहेज के लोधी ने मुझे जिंदा जला।
हिमालय ने रो करके कहा, अरे ब्रह्मा तूने संसार में सुनारी जाति का निर्माण क्यों किया, जिस सुनारी जाति का सारा जीवन पराधीनता में बीतता है। मैया मैना ने पार्वती को अपने सीने से चिपका करके कहा, बेटी पार्वती अब ये घर तुम्हारा नहीं है, सुनो अब ये घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर है। बेटी आज तेरी डोली मायके से जा रही है, एक दिन तेरी अर्थी तेरे साजन के कंधे पर ससुराल से निकले। ये भारतीय संस्कृति है। और बेटी तुम्हें ससुराल में जाकर के करना क्या है, बोलमा क्या करना, आप भी अपनी बच्चियों को यही सिखलाया करो। बोले करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवना। बेटी ससुराल में जाकर के अपने पति शंकर के चरणों की सेवा करना। नारी का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। लेकिन ऐसे पति की सेवा भी करेंगे, ये बेचारी 75 प्रकार का शाम को भोजन बना कर रखे, बोतल ढको सिखाओ, न खाए न खा दे इस आदमी का सेवक, मोटा डंडा रखा करो। हाँ पाप नहीं लगेगा। सुनो मेरे भाई, सुनो निवेदन कर रहा, ससुराल में जाकर के बेटी पार्वती, ये नारी का सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करना। लेकिन पति को भी तो ऐसा होना चाहिए, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। अगर नारी का धर्म बनता है एक ही धर्म एक अमित नियमा, काई वचन मन पति पद प्रेमा, तो भाई साहब आपका भी नियम बनता है। जननी समझाना पर नारी, धन पराओ विस्ते विस नारी। लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज में ईमानदारी से कह दूं, अगर इनसे जरा सी भी गलती हो जाए तो इन्हें समाज में जीने का अधिकार नहीं। क्यों जी, देखा होगा ऐसा होता है क्या, अरे नर चाहे कर ले 10 विवाह। क्यों जी, अरे नर चाहे कर ले 10 विवाह, होती फिर भी कुछ हानि नहीं। यह थोड़ा सा भी फिसल गई, ये थोड़ा सा भी फिसल गई तो जीने का अधिकार विवाह, होती फिर भी कुछ हानि नहीं, ये थोड़ा सा भी फिसल गई तो जीने का अधिकार नहीं। कहां का न्याय, बोलो भाई। सुनो जरा ध्यान से, करेहु सदा शंकर पद पूजा। एक बात बहनों सुन लो, ये वहां की शिक्षा है जहां केवल पति है। शंकर जी केवल अकेले सास ससुर नहीं, मां अकेला पति तो उसकी सेवा करना। लेकिन जहां तुम्हारा सास ससुर है वहां सास ससुर नंबर एक पर है, नंबर दो पर तुम्हारा पति है। दूसरी कथा आपके नगर में हो रही, इसके पहले भी बहुत कथा हुई है। इधर जितनी बहनें बैठी हैं और सौभाग्य से जिनकी सास जिंदा है, झूठ मत बोलना, आज सवेरे उठ करके जिन बहुओं ने अपने सास के पैर छुए हो जरा हाथ उठाओ। यह कथा का प्रभाव, बोलो बोलो बोलो, खीसे न निकालो हो तुम भी इनसे कम दी, तुम इनसे आगे ही मिलोगे। सुनो खैर, ये वहां की शिक्षा है जहां केवल आपका पति है तो पति तो एक ही, और जहां सास ससुर है मेरी बहनों, अगर बुढ़े से ये जवान सेवा करवाएंगे तो बुढ़े कहां जाएंगे बताओ। जहाँ सास ससुर है वहाँ सास ससुर एक नंबर पर है, पति नंबर दो पर है। राम जी ने भगवती सीता से कहा, सीते यही ते अति की धर्म नहीं दूजा, यही ते अति की धर्म नहीं दूजा।
पूजा यही ते अधिक धर्म नहीं पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं पूजा, सादर सास ससुर पद 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 पूजा। इस नारी का बड़ा कोई धर्म नहीं है ए, जो अपने सास ससुर पूजा माने नहीं कि सास ससुर की आरती उतारे ए, पूजा शब्द मुहारा में है भाई साहब, पूजा माने यथोचित सम्मान। जैसे आपने सुना होगा ए, दरोगा जी ने एक चोर को पकड़ा, फिर वैसी बढ़िया पीठ पूजा करी तो दरोगा जी ने उसकी पीठ पर आरती उतारी, यथोचित सम्मान माने पूजा। आज मैया पार्वती को ए भैया दुल्हन बना करके विदा किया गया, पैरों में महावर लगाया गया, हाथों में मेहंदी सजाई गई, बढ़िया अच्छे से बाल गूंज